अपने भी अलग, अब कोई भी मेरे साथ नहीं। बताऊंगा कितने ब्रूटस मिले इस जूलियस को, तुम भी बोलोगे भाई तुमको बंदों की पहचान नहीं। अकेला मैं यहाँ बेटा जीना अब तो सीख गया। नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। फाइनली मुफाड़ AKA महाराज का नया गाना आ चुका है जिसका नाम है आमीन। और जितना ज्यादा सूदिंग ये नाम है आमीन, उतना ही तगड़ा नाम है ईपी का ऐलान, जो कि आज से अराउंड 3 से 4 महीने पहले ऐलान कर दिया गया था कि ऐलान ईपी आ रही है, पर अब जाके आया है। पहला गाना ही आया है, 3 गाने होने वाले हैं इस ईपी में और आमीन इज द फर्स्ट ट्रैक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं जानता हूँ मैं एक दिन लेट हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो भी आपने गाना सुना स्टार्टिंग में वो मेरा खुद का गाना है, मेरा खुद का इंडिपेंडेंट गाना मैंने लिखा है, मैंने मिक्स मास्टर किया, मैंने सब कुछ किया है। अगर आपने चेकआउट कर लिया तो थैंक यू सो मच। आपने एक दिन में उसमें अराउंड 8,000 करीब व्यूज़ हैं, 2,000 से प्लस लाइक्स हैं। आई एम हम्बल्ड, मेरे को मज़ा आ रहा है आपका प्यार देख के। और अगर आपने नहीं सुना है तो डू चेक इट आउट और मुझे बताना कैसा लगा आपको। बिना टाइम वेस्ट किए हम आमीन पे रिएक्ट करते हैं मुफाड़ की। और ये मैं बोल चुका हूँ ना कि ऐलान बहुत टाइम पहले अनाउंस हो गई थी, पर कोई नहीं, देर आए आई होप दुरुस्त आई हो। आमीन गाना सुनते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 3, 2, 1 एंड एक सेकंड रुको। अच्छा, मैंने नोटिस कर लिया, ऑडियो नहीं आती, नहीं तो जब आप अनकट वीडियोस बनाते हो तो ऐसा हो जाता है कभी कभी आपके साथ। हाँ, अब आ जाएगा, अब ऑडियो आपको भी सुनाई देगी। चलो 3, 2, 1 एंड अच्छा हाँ, वीडियोस तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बहुत ही तगड़ी है, वो ये है कि तीनों के तीनों गाने वीडियो फॉर्मेट में आने वाले हैं, एंड विच इज़ समथिंग आई लव। अगर आर्टिस्ट वीडियो के साथ गाने निकालता है मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। Shut the fuck up. भाई साहब, ये क्या बीट किसने बनाई है पहले बताओ। टंग 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 टंग, ओ भाई साहब, ये बीट किसने बनाई है। ओ भाई, म्यूजिक भी मुंह फाड़ का ही है भाई साहब। बहुत सही, बहुत सही। Shut the fuck up. जो इजिप्शियन वाइब वाला म्यूजिक है बहुत सही। आमीन करू ऐलान पवन डर शब्द ये लगे बीट तूफान में जब्त ये अब ठान चुके महाराज छोड़ेंगे कबर बना के ही तख्त ये मुझे मिला सिंहासन हिला प्रशासन कबर बना के ही तख्त ये। और भाई सबसे तगड़ी चीज जो मेरे को लगती है मुफाड़ की वो ये है कि म्यूजिक के बगैर भी जो फ्लो और जो टेम्पो पकड़ा हुआ होता है वो थ्रू आउट द सेम रहता है। के महाराज छोड़ेंगे कबर बना के ही तख्त ये मुझे मिला सिंहासन हिला प्रशासन गिराना मैं यही सत्ता है वो खता माफ गुस्ताख के गर्दर पर। ये लाइन भी दोबारा, भाई मैं कितनी बार पीछे करूं। तूफान में जब्त ये अब ठान चुके महाराज छोड़ेंगे कबर बना के ही तख्त ये मुझे मिला सिंहासन हिला प्रशासन गिराना मैं यही सत्ता है। ओए होए 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 लाइंस वो खता माफ गुस्ताख की गर्दर बार में टिकता मत्था है इस जीव काल से मृत्यु लोक तक बोले देवता चुप्पी तोड़ कर पैदा होगा वो वाण एक पहुंची आवाज मेरी मां की कोख तक। भैंस की आंख, No one can beat this guy when it comes to metaphor and writing like this. भाई साहब मजे आ गए। तो ये मुझे मिला सिंहासन हिला प्रशासन गिराना मैं यही सत्ता है वो खता माफ गुस्ताख की गर्दर बार में टिकता मत्था है इस
सजीव काल से मृत्यु लोक तक बोले देवता चुप्पी तोड़ कर पैदा होगा मुफाण एक पहुंची आवाज मेरी माँ की लोक तक लिया जन्म सनम फिर हमने हम जब आए तो सब लगे थमने रहूं इतना भी खुश क्यों हमेशा मैं मार दिया इन्हें बस इसी गम ने दर पे मेरे थोड़े कर्म कमाले है दौर ये क्या कर शर्म जमाने चौड़े जो होते थे सामने मेरे वही चंद बुस्तिल लगे चरण दबाने आमीन चंद बुज़दिल लगे चरण दबाने भाई साहब हकीकत आमीन शट द फक अप आमीन शट द फक अप लड़के जीत खुशियां मुगियां बुरां दो बैंच उद मैं तो फैंस को करूं प्यार ना दूं फक मैं हेट कमेंट्स को बीट पे भगे मेरी जनता डांस को चेक पोस्ट मेरा स्टाइल नहीं वेस्ट कोस्ट रैपर्स ते माँ को रेस्ट दो चलो मेरे साथ नाचो लेट्स गो बातें जोरदार बीट है सेक्स हो पूछो मुंह फाड़े बेस्ट क्यों कहते उसे महाराजा फैंस क्यों चढ़ती जवानी के दिखते ये रंग होगा तेरा क्या तेरी मैया है तंग भाई तेरी बहन है साथ मेरे भंड करती है डैब वो सैया संग तू तो है लुगाई तेरी पार्ट टाइम जॉब करूं ना मैं चुगली ना उंगली यहां पे थोड़ा सबलिमिनल आ रहा है या नहीं पर मुफाद ने बोला है ढाई साल पहले लिखा था और ढाई साल पहले ऐसी कोई बीफ नहीं थी तो आई गो बाय द वर्ड्स ऑफ मुफाद और मैं कुछ भी स्पेक्युलेट नहीं करूंगा यहाँ पे कि सबलिमिनल मारा या कुछ जैसा बोला है कि ढाई साल पहले लिखा है मान लेते हैं रे भंड करती है डैब वो सैया संग तू तो है लुगाई तेरी पार्ट टाइम जॉब करूं ना मैं चुगली ना उंगली का शौक लिख लिख मैंने भरती वसीयत नसीब ये रैपरों के राइटर्स ब्लॉक नफरत दिलों से मिटा दूंगा प्यार खुद से करो ये सलाह दूंगा रखना भरोसा जैसे खुद पे है मुझको जहां रखूं हाथ साला सोना बना दूंगा देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट दिस बीट भाई साहब क्या ट्रैक है क्या गाना बनाया है मजा आ गया मुझे माफ करना इस छोटे से कट के लिए आई नो मैं अनकट वीडियोस बनाता हूँ लेकिन अब या तो ये वीडियो नहीं आती या फिर मुझे एक छोटा सा कट मारना पड़ता और क्योंकि मैंने पूरा गाना सुन लिया था आई जस्ट हैड टू कन्वे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस गाने के बारे में तो मैंने कहा कोई नहीं एक कट मार ही देते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट काम था बार बार गेट खटखटा रहे थे बाबा भाई मेरे बाबा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है बोल के घुसा था कि मैं अभी कुछ शूट कर रहा हूँ कोई मत आना कोई नहीं आ सकता बाबा आ जाते हैं चलो कोई बात नहीं वो कट दैट लेकिन भाई साहब क्या गाना बनाया है ऐलान का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से किया है मुफाद ने महाराज ने ऐलान का पहला गाना आमीन इज हैंड्स डाउन बहुत तगड़ा गाना है भाई साहब और जो कुछ कुछ लाइंस होती है ना यार आई एम अ फैन ऑफ लाइंस जो ठाए ठाए करके लगती हैं दिल पे और ये वाली जो लाइन थी ना मुझे मिला सिंहासन हिला प्रशासन गिरा ना मैं यही सत्ता है एक ये वाली लाइन और फिर वो वाली लाइन थी कि मेरी माँ की कोख तक चीख पहुंची भाई साहब दिल जीत लिया भाई मुफाद एक तो म्यूजिक भाई इतना फाड़ था मैं बीच में शुरुआत में फंबल भी कर दिया टंग थोड़ा सा अरेबिक टच था इजिप्शियन टच था बहुत तगड़ा गाना था बहुत तगड़ी लिरिक्स थी बहुत तगड़ा म्यूजिक था और बहुत तगड़ा कैमरा खाया जिसको पता उसको पता है जिसने मेरे को बहुत टाइम से जो फॉलो कर रहा उसको पता मुफाड़ के फर्स्ट रिएक्शन में मैंने बोला था कि दिस गाय इज अ पैकेज बस एक कमी है वो ये है कि दिस गाय डजंट नो हाउ टू ईट कैमरा और मतलब कैमरा प्रेजेंस थोड़ी सी कमजोर है बट नाउ लुक एट दिस गाय ये बंदा भाई चीर फाड़ कर रहा है द लुक द स्वैग ही कैरीज इज समथिंग एल्स पीछे पांच बंदे भी खड़े हैं मास्क वास्क पहन के बट आई वुड नॉट लाइक टू स्पेक्यूलेट एनीथिंग क्योंकि हम मुफाड़ की बात पे जाते हैं कि दो ढाई साल पहले का लिखा हुआ गाना है और कभी कभी लिखा हुआ गाना हो गाना बहुत शानदार था गाना बहुत मज़ेदार था म्यूज़िक बहुत मज़ेदार था ऐसे गाने सुन के इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे गाने सुन के मन करता है कि आप भी कुछ ऐसा ही काम करो करें लोग भी कुछ ऐसा ही काम करें बहुत मज़ा आ जाता है ऐसे गानों पे रिएक्शन देके ना दिल खुश हो जाता है टिंग 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 मैं दोबारा सुनूंगा इस गाने को एज सून एज आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग बटन मैं दोबारा सुनने वाला हूँ बहुत तगड़ा बहुत प्यारा गाना था मुझे मिला सिंहासन हिला प्रशासन
गिराना मैं यही सत्ता है भाई। ये लाइन पहली बार सुनी यार, थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो माफ़ कर देना। और बस यही था मेरा रिएक्शन, यही था मेरा रिव्यू। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ़ यू डू प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्लीज़ दबा देना। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे मेरी रीच उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, मैं अपने गाने आप लोगों तक पहुँचा पाऊँगा, आप लोगों के गाने लोगों तक पहुँचा पाऊँगा। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, पीस। अकेला मैं यहाँ बेटा जीना अब तो सीख गया, अकेला मैं यहाँ बेटा जीना अब तो सीख गया, अकेला मैं यहाँ बेटा जीना अब तो सीख गया, अकेला मैं यहाँ।